आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देखेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम में हम क्या क्या चीजों को देखेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे, मेजर फंक्शन देखेंगे, यूजर इंटरफेस एंड एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कितनी चीजों को हम देखेंगे आज की क्लास में। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य रूप से आपके कंप्यूटर को चलाने के लिए आवश्यक होता है, मीन्स आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मध्य इंटरफेस का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपका हार्डवेयर डायरेक्टली आपके सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर डायरेक्टली हार्डवेयर से कनेक्ट नहीं हो सकता, तो इनके बीच में ब्रिज का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, मीन्स इनके मैनेजमेंट, शेयरिंग, इसका कोऑर्डिनेशन, एक्टिविटीज, ये जो भी सारी चीजें होती हैं, इन सारी चीजों के लिए आपका पूरी तरह से जिम्मेदार होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में और क्या चीजें होती हैं। एक डायग्राम हमारे सामने है, इस डायग्राम को हम देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें सबसे लोअर सेक्शन जो है वो आपका हार्डवेयर का सेक्शन है, उसके बाद ऊपर का उसके ऊपर आपका ब्लू सेक्शन जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का सेक्शन है, ग्रीन सेक्शन एप्लीकेशन का है, देन यूजर आता है। मीन्स आप देखें कि अगर आप इस यूजर के सेक्शन को छोड़ दें तो आप देखेंगे एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच में काम कर रहा है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। मीन्स आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आपकी हार्डवेयर को और हार्डवेयर की सॉफ्टवेयर को तक पहुंचाने का मुख्य रूप से काम कर रहा है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ हार्डवेयर आ रहा है और ये एक हमारा सॉफ्टवेयर आ रहा है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ रहा है। तो ये दो चीजें हमारे सामने दिख रहे हैं, नए शब्द हैं। सबसे पहले हम जानते हैं हार्डवेयर के बारे में। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर कंप्यूटर के ऐसे सभी मशीनरी पार्ट जो पावर सप्लाई के थ्रू चलते हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं। मीन्स आपके जितने भी कंप्यूटर के जो भी मशीनरी पार्ट्स हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल, वो सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर आपके कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। मीन्स आपके दो या दो से अधिक प्रोग्राम का कलेक्शन या फिर आपके बहुत सारे प्रोग्राम्स के कलेक्शन को जब मिलाते हैं तो एक आपके सॉफ्टवेयर का सॉफ्टवेयर बनता है। अब सॉफ्टवेयर में आपका एक एप्लीकेशन में आपके सामने में दिख रहा है, इसको देखते हैं हम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी कार्य विशेष के लिए बनाए जाते हैं वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो ये होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, अगला देखते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक डायग्राम दिख रहा है जिसमें आपको क्या हो रहा है कि जो कि आपको चारों तरफ से घेरा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम के, आपका मॉनिटर है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, माउस है, डिस्क ड्राइव है, एप्लीकेशन है। देखिए इसमें आपको कई चीजें ऐसी दिख रही जहां आपको डबल एरो दिख रहा है, कई चीज जगह आप देखेंगे सिंगल एरो दिख रहा है। आपका जैसे माउस देखेंगे तो माउस आपने सिग्नल को ऑपरेटिंग सिस्टम तक भेज सकता है और देन उसको जहां भी आपको भेजना है उस सिग्नल को वो अपना भेज लेगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भेज देगा। लेकिन आपका जो माउस है ये किसी प्रकार से किसी भी सिग्नल को रिसीव नहीं कर सकता, इसलिए रिसीव नहीं कर सकता, इसलिए इसमें क्या है, सिंगल एरो है। देन प्रिंटर वो भी आपका रिसीव करता है आपका, लेकिन अपने से आप दूसरे को सेंड करने की कोई सुविधा नहीं है। देन कीबोर्ड में भी वही है, कीबोर्ड आपको इंफॉर्मेशन को भेजेगा लेकिन वो रिसीव करने का कोई काम नहीं है। मॉनिटर में भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम आपको सिग्नल भेजेंगे लेकिन आपको किसी प्रकार का रिटर्न नहीं मिलेगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपके दोनों तरफ काम करते हैं, आपका यानी आप उससे इंफॉर्मेशन को भेज भी सकते हैं, इनसे इंफॉर्मेशन आपकी आती भी है और यहाँ तक भेजते भी है। डिस्क ड्राइव होता है, डिस्क ड्राइव आपका दोनों तरफ काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ भी काम करेगा और ये आपका अपोजिट साइड में भी काम करेगा। मीन्स आप इस डायग्राम को देखिए, ये समझ में आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत जरूरी है आपकी सभी पेरिफेरल डिवाइसेस और आपकी और भी जितनी भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं या सॉफ्टवेयर डिवाइसेस हैं उनके बीच में एक सेतु का या फिर एक ब्रिज का काम करने के लिए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं सिंगल यूजर। इसमें दिया हुआ है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स को बताया हुआ है। ऑपरेटिंग सिस्टम के दो टाइप्स होते हैं, सिंगल यूजर और मल्टी यूजर टाइप। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं मल्टी यूजर।
को देखेंगे और देन सिंगल यूजर का भी देखेंगे, फिर इनके बीच में हम देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंस है। चलिए देखते हैं। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो अलाउ करता है मल्टीपल पर्सन को एक ही कंप्यूटर में काम करने के लिए अलाउ करता है। मीन्स इससे आपका क्या हो जाता है, टाइम शेयरिंग हो जाता है। देन आपका ये जो मल्टी यूजर होता है जिसमें आपको क्या होता है कि आपके कई लोग एक साथ काम करते हैं, तो जिसमें आपका सबसे मेन काम होता है आपका टाइम शेयरिंग और वर्क शेयरिंग, मतलब वर्क भी आपका क्या हो जाता है, शेयर हो जा रहा है। मीन्स आपको बहुत ज्यादा काम करना है तो एक ही व्यक्ति अगर कार्य कर रहा है तो उसको आपको बहुत ज्यादा समय देना पड़ेगा। वैसे ही आप देखेंगे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें सिर्फ एक समय में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। मीन्स इसमें एक से ज्यादा व्यक्ति आपके कार्य नहीं कर सकते। मीन्स देखिए दोनों के बीच में डिफरेंस अगर हम देखें तो कई व्यक्ति आपके काम कर रहे हैं, इसमें सिंगल व्यक्ति कार्य कर रहा है। आपका टाइम शेयरिंग हो रहा है, यहाँ आपका टाइम शेयरिंग नहीं होगा किसी भी कंडीशन में। यहाँ आपका टाइम शेयरिंग और यहाँ पर आपका नहीं होगा। मीन्स आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में जो टाइप्स हैं इसमें आपका टाइम शेयरिंग सिंगल यूजर में कहीं भी नहीं होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इनके फंक्शंस के बारे में, देखते हैं फंक्शन जो मेजर फंक्शंस हैं। इसमें सबसे पहला मेजर फंक्शन है आपका रिसोर्स मैनेजमेंट, देन डाटा मैनेजमेंट, डाटा मैनेजमेंट भी होता है, जॉब मैनेजमेंट मीन्स आपके जो अलग अलग काम किए जा रहे हैं वो जॉब मैनेजमेंट को भी करता है। देन स्टैंडर्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर, मीन्स ये आपका ये स्टैंडर्ड, ये मतलब कि आपका एक अच्छे तरीके का कम्युनिकेशन तैयार करता है कंप्यूटर और यूजर के बीच का। देन अगर हम चलें रिसोर्स मैनेजमेंट की तरफ चलें, तो रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या होता है कि ये आपके मेमोरी में, मेन मेमोरी में, स्टोरेज डिवाइसेस में जो है आपका इनपुट आ रहा है, या क्या बोलते हैं आपका जो मेन मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, इनपुट है, आउटपुट है, इन सभी के बीच में रिसोर्स को एलोकेट करने का कार्य करता है। देन डाटा मैनेजमेंट, डाटा को क्या करता है, ये मैनेज करने का काम करता है, स्टोरेज में लाके रिट्रीव करता है। इससे अगर आपको स्टोरेज से आपको कहीं और भेजना होता है वो डेटा को आसानी से ये काम करने के लिए तैयार कर देता है। देन नेक्स्ट हम अगर चलते हैं जॉब मैनेजमेंट, जॉब आपके अलग अलग जॉब आपके मशीन में होते रहते हैं, इनका एक शेड्यूल होता है, इनपे एक कंट्रोल होता है जिसकी मॉनिटरिंग करने का कार्य कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। देन अगर हम मेजर फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में देखें, स्टैंडर्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर, यूजर और कंप्यूटर के बीच में ये क्या किस तरह से आपका कनेक्शन बना, कनेक्टिविटी बनाता है, ये क्या होता है कि ये बहुत अच्छी तरीके से आपके ओएस जो है आपके हार्डवेयर और यूजर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच में एक कम्युनिकेशन को तैयार करता है जिससे आसानी से आप कार्य को कर सकें। कोई भी कार्य अगर आपको करना है जिसको आप उस कार्य को आसानी से कर सकें और जिसमें आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत या समस्या ना आए, इसके लिए आपको अलग अलग तरह से हेल्प की सहायता भी मिलती है। देन इसके बाद आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, यूजर इंटरफेस के बारे में बात करते हैं। यूजर इंटरफेस जो होता है ये प्रोग्राम दैट कंट्रोल ए डिस्प्ले फॉर द यूजर एंड दैट अलाउ द यूजर टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम, मीन्स आपका क्या करता है कि ये आपको ये कंट्रोल्स जो आपके प्रोग्राम्स हैं, कंट्रोल्स हैं, इनको क्या करता है, ये इस तरह से तैयार करता है कि यूजर और आपके यूजर और क्या बोलते हैं आपके इंटरफेस के बीच में, मीन्स आपके कंट्रोल्स के बीच, प्रोग्राम के कंट्रोल्स के बीच में एक तरह से इनको अलाउ करता है कि इसमें आप सही तरीके से कार्य कर सके। नेक्स्ट हम देखते हैं आपके यूजर इंटरफेस में क्या क्या आता है, इनपुट आता है और आउटपुट आता है, मीन्स आपके इनपुट को भी अलाउ करता है, ये आपके मैनिपुलेट करता है, मीन्स अलाउइंग द यूजर टू मैनिपुलेट ए सिस्टम, मीन्स आपको आपको किसी यूजर को आपको मैनिपुलेट करना है तो आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं आसानी से, यही काम आपका आउटपुट में भी किया जाता है। अगर हम देखें टाइप्स ऑफ यूजर इंटरफेस के बारे में देखें तो जिसमें आपको कमांड लाइन इंटरफेस मिलेगा, देन आपको मिलेगा ग्राफिकल इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मीन्स कमांड लाइन जो इंटरफेस होता है जिसको CLI कहा जाता है, इसमें आपको कोई भी कार्य करना है इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में तो आपको कार्य करने के लिए आपको कमांड देनी होगी, आपकी कमांड दी जाएगी उसके आधार पे भी आपका क्या होगा, कार्य होगा। देन हम इसके आगे देखें
तो देखिए कमांड लाइन के लिए कुछ इस तरह से आपको सारी की सारी कमांड्स आपको देनी पड़ती हैं आपको, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको कमांड्स याद होनी आवश्यक है। अगर आपको कमांड्स याद नहीं है तो आपको काम करने में दिक्कत आएगी। इसमें आपको अलग अलग कमांड होती है, जैसे DIR डिस्प्ले फाइल एंड फोल्डर, फाइल और फोल्डर को देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कॉपी, किसी फाइल या फोल्डर को कॉपी करने की। MD डायरेक्टरी को या फोल्डर को बनाने की। CLS क्लियर स्क्रीन के लिए। क्विट आपको क्विट करने के लिए, बंद करने के लिए। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बारे में अगर हम बात करें, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो होता है इसमें आपको इंटरेक्ट करने के लिए आपको ग्राफिक्स, इमेजेस, टेक्स्ट, ये सारी चीजें आपको दिखती हैं। मीन्स आपके पास पॉइंटर होता है, जैसे पॉइंटर होता है, आइकॉन होता है, डेस्कटॉप होता है, विंडोज होता है, मेन्यूज होते हैं, ये सारी चीजें इंटरफेस के ग्राफिकल इंटरफेस में मिलती हैं। जैसे ये देखिए आपको पॉइंटर आपको दिख रहा है, सिंबल जो कि आपका माउस के थ्रू आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका आइकॉन्स। इस तरह से आपके अलग अलग आइकॉन्स बने होते हैं जिनमें आपको काम करना है। देन नेक्स्ट आपका डेस्कटॉप, मीन्स आपका डेस्कटॉप स्क्रीन रहती है, कुछ इस तरह से दिखती रहती है। अगर आपको यहाँ कोई भी चीज काम करना है तो उसको आप क्या क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। मीन्स इसमें आपको किसी भी प्रकार से कोई भी कमांड आपको देनी नहीं पड़ती। इसमें देन विंडोज होता है, विंडोज मीन्स आपके अलग अलग विंडोज के वर्जन होते हैं, उन वर्जन का आप प्रयोग कर सकते हैं। चाहे अगर आप विंडोज में हम देखें तो एक सिंपल ये ब्लैक एडिशन हमको दिख रहा है। देन इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम में पुल डाउन मेनू और पॉपअप मेनू, ये सब भी आपको आसानी से पुल डाउन, ये देखिए पुल डाउन मेनू है जो कि आपके इसमें आपकी लिस्ट ओपन हो गई है, जिसमें आप आसानी से क्लिक करके सारे काम को कर सकते हैं। जैसे न्यू करना है, ओपन करना है, ओपन रिसेंट करना है, क्लोज करना है, या फिर पेज पे पेज सेटअप या प्रिंट करना है। और ये पुल अप के लिए आप इसका प्रयोग करते हैं, जो बगल में दिया हुआ ये है इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम एग्जांपल देखें ऑपरेटिंग सिस्टम के तो एमएस डॉस ऑपरेटिंग के और विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स, ठीक है, एंड्रॉयड, ये सब आपके क्या होते हैं विंडोज। ये देखिए कुछ इस तरह का आपको विंडोज होता है जो कि एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ये मल्टीटास्किंग या मल्टी यूजर को भी सपोर्ट करता है। देन विंडोज का ये विंडोज 10 वर्जन है जो कि आपके सामने दिख रहा है। ये अलग अलग वर्जन है जो आपको दिख रहे हैं। मीन्स तो इस तरह से ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने देखा, इसके वर्जन के बारे में, ये इसका जो फर्स्ट वर्जन है 1985 में आया था और लेटेस्ट वर्जन विंडोज 8 और अभी के समय में चल रहा है विंडोज 10। ये आपके कुछ नए वर्जन आपके काम कर रहे हैं। तो ये आज की क्लास में हमने देखा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।